अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन है हमारी। आज का हम जस्ट अमेजोन की प्रेजेंटेशन देखेंगे कि अमेजोन होलसेल एफबीए का कोर्स क्या चीज़ है, किस तरह वर्क करता है, अमेजोन का पूरा प्रोसेस क्या है होलसेल एफबीए में काम करने का, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वाई अमेजोन, हमने अमेजोन क्यों सेलेक्ट किया, मतलब हमारा अपना, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैं सवाल कर रहा हूं, अमेजोन क्यों सेलेक्ट किया? अमेजोन दुनिया की, सिर्फ यूएस की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है इस वक्त ई कॉमर्स के अंदर। अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है, ऑनलाइन में रिटेल स्टोर जिसे हम ई कॉमर्स कहेंगे। तो ई कॉमर्स में सबसे बड़ा रिटेल स्टोर इस वक्त है अमेजोन। अमेजोन के अंदर यूएस की मार्केट जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है। अमेजोन की डिफरेंट मार्केट प्लेस है, आई थिंक 40+ मार्केट प्लेस है। तो जो यूएस की मार्केट है वो सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे महंगी मार्केट है। ठीक है, अमेजोन वर्सेस अदर ई कॉमर्स वेबसाइट कंपटीशन अगर करें, एनालाइज करें कंपटीशन में, तो हमारे कॉम्पिटिटर में कौन कौन से हैं, अमेजोन के अलावा हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन कौन सी आती हैं? ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट में आती है, शॉपिफाई हो गया, दराज हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सारी ई कॉमर्स में आती है। ठीक है, अच्छा बिजनेस मॉडल की बात करें तो अमेजोन में तीन तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, प्राइवेट लेबल, एफबीए होलसेल। ऑनलाइन आर्बिट्राज एक रिस्की मॉडल बन चुका है, अब मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं सजेस्ट नहीं करता। एक टाइम पे हम किया करते थे ऑनलाइन आर्बिट्राज, लेकिन अब ऑनलाइन आर्बिट्राज रिस्की बन चुका है। क्यों रिस्की बन चुका है? क्यों? क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप विदाउट एलएलसी जाते हो, आपको कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती, आप विदाउट एलएलसी जो है उसको ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप जस्ट रिटेलर से 20 पीस, 25 पीस, 15 पीस आप इन्वेंट्री परचेज करते हो और अपने अमेजोन के ऑनलाइन स्टोर पे सेल करते हो। अब आपने किसी भी स्टोर से, कहीं से भी आपने इन्वेंट्री उठा ली और अमेजोन पे सेलिंग पे लगा दी, अमेजोन जब उसकी इनवाइस मांगता है कि आप मुझे बताओ कि ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से खरीदी, जब अमेजोन आप जब अमेजोन को इनवाइस दोगे तो अमेजोन उस इनवाइस को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि रिटेलर रिटेलर की इनवाइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। अमेजोन एक रिटेलर है, आप किसी रिटेलर से परचेज कर रहे हो या किसी लोकल सप्लायर से कर रहे हो, उस प्रोडक्ट पे अगर आईपी लग गई तो अमेजोन इनवाइस मांग लेगा और अमेजोन कहेगा प्रूफ दो मुझे कहाँ से दिया। अगर ब्रांड या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइस होगी तो अमेजोन एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन आर्बिट्राज अब जो है रिस्की बन चुका है। एक टाइम पे हुआ करता था, अच्छे लेवल पे होता था, हमने खुद भी किया है, लेकिन अब उस लेवल पे नहीं होता। दूसरे बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, दूसरा बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है? प्राइवेट लेबल में आप खुद का ब्रांड बनाते हो। लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, एक ये रिमोट है, ये हायर का रिमोट है, ये हायर का रिमोट मैं चाइना से सोर्स कर रहा हूँ। मतलब रिमोट में बहुत सारी किस्में आती हैं, रिमोट में बहुत सारी क्वालिटी आती हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये प्रोडक्ट चाइना से उठाई, मैंने चाइना को, चाइना आपको पता होगा कि चाइना कहता है कि आपको जो क्वालिटी चाहिए वैसे पैसे दे दो, मतलब आप जैसे पैसे दोगे वैसी क्वालिटी मैं आपको बना के दूंगा। आपने अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, मुझे ये क्वालिटी चाहिए, आपने इस पे अपना लोगो लगवा दिया कि ये मेरा दानियाल ब्रांड है, दानियाल का यहाँ पे लोगो लगा दो उस प्रोडक्ट पे। आपने उस लोगो के नाम के साथ उस प्रोडक्ट को यूएसए के अंदर रजिस्टर करवाया, उसकी अमेजोन पे लिस्टिंग खुद क्रिएट की। लिस्टिंग क्रिएट मतलब आपने अमेजोन पे उसकी लिस्टिंग की, उसकी प्रोडक्ट का टाइटल लिखा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाली, प्रोडक्ट के तस्वीरें अपलोड की, प्रोडक्ट के अगर इंग्रेडिएंट्स है या अबाउट डिटेल्स में अगर कुछ डिटेल्स है वो सारी आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर आप उसकी पीपीसी रन करते हो। पीपीसी रन करना मतलब मार्केटिंग करना, आपकी प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुंचेगी तो डिमांड में आएगी, मतलब इन शॉर्ट कि आपको उसकी डिमांड क्रिएट करवानी पड़ेगी। फिर वो आपकी डिमांड क्रिएट होती है, आपकी सेलिंग शुरू होती है, तो जाके आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू होती है। प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल ऐसा है, 10 से 15 हज़ार डॉलर से ये प्रॉपर काम शुरू होता है, स्टार्ट होने को $1,000 से भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में आप टेस्टिंग इन्वेंट्री $1,000 की या $2,000 की भेजोगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो जाए। क्यों?
क्यों? क्योंकि आपको खुद को डिमांड क्रिएट करनी है। अगर वो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है, वो प्रोडक्ट सेल नहीं होती है, तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को वापसी लेना पड़ता है। लेकिन हम वापसी जब मंगवाते हैं उस प्रोडक्ट को, तो हमें शिपमेंट्स इतनी लग जाती हैं कि हम कहते हैं कि भाई इसको वहीं पर डिस्पोज कर दो या लिक्विडेट कर दो। तो वो प्राइवेट लेवल में आपका पहला जो वो होता है ना, पहली टेस्टिंग इन्वेंट्री होती है, समटाइम्स या तो वो लॉस में चली जाती है, या फिर जो है अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा, वो अगर $25,000 रख के बैठा हुआ है, तो ये सोचेगा शुरू में $2,000 या $5,000 का मैं लॉस कर लूंगा, मैं एक अपनी एक टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ, हो सकता है आगे जाके मैं इसमें अच्छा बना लूँ। तो उसके लिए एक तो बजट भी बहुत अच्छा रिक्वायर्ड होता है, बहुत बड़ा बजट रिक्वायर्ड होता है। सेकंड ये कि उसमें आपको एक रिस्क लेना पड़ता है,